डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना। जैसा कि आप जानते होंगे, टेंथ क्लास में हम लोग जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली एक्सरसाइज हम लोग 12.1 यानी कि 12.1 एक्सरसाइज को पढ़ रहे हैं। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 2 तक के डिस्कस किया था पिछले क्लास में। आइए आज हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है और उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या निकालना है और निकालने का जो क्राइटेरिया है वो कैसे करना होगा हम लोगों को। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले आकृति 12.3 बोल रहा है, तो यही आकृति 12.3 है आपके सामने। एक तीरंदाजी लक्ष्य को दे, तीरंदाजी का मतलब होता है कि यहाँ पे बीच में सेंटर पे गोला रखा रहता है, अलग अलग जो कलर का घेरा बनाया हुआ वहाँ पे हमको वहाँ से तीर छोड़ना रहता है, उस बॉल को हिट करना रहता है, उसको मारना रहता है, ठीक है। जैसे कैरम में कैसे लोग गिट्टी को हिट करते हैं, उसी तरीके से तीर से बीच में एक बॉल को लक्ष्य बनाया जाता है, जिसको तीरंदाजी लक्ष्य कहते हैं, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 गो क्षेत्र है। सबसे बीचे वाला क्षेत्र गोल्ड है, देखिए गोल्ड है, फिर उसके बाद रेड रेड कलर का है, उसके बाद ब्लू कलर का है, उसके बाद ब्लैक है और उसके बाद व्हाइट है। ये 5 गो क्षेत्र है, कौन कौन सा, गोल्ड, रेड, नंबर 3 पे है ब्लू, ब्लैक और व्हाइट। ये 5 रंग का चिन्ह से एक वृत्त बनाया गया है जिनसे अंक अर्जित किए जाते हैं। अंक का मतलब जैसे कोई गोल्ड पर से रख कर और गोल्ड पर से ही अगर टिक आउट करता है, या फिर जैसे व्हाइट वाला एरिया है तो इसके लिए कुछ अलग अंक दिया जाता है, मैंने अलग अलग अंक दिया जाता है, एक तरह का खेल है। तो हम लोगों को उससे माने मतलब नहीं है कि कौन सा खेल है, वो कैसे खेल को खेला जाता है, खेल के हमको सिखाइए, तो उस तरह का हम लोगों को उस पर नहीं जाना है। हम लोगों को सवाल पढ़ना है कि क्या बोल रहा है। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्र में से प्रत्येक का क्षेत्रफल निकालिए। चलिए क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है, पहले इस क्वेश्चन में ना बढ़िया फिगर बनाना होगा, एकदम बढ़िया सुपर फिगर, क्योंकि फिगर से ही आपको समझ में आने वाला होगा। हालांकि जितना फिगर में दिया हुआ है इससे हमको बड़ा बनाना होगा, तब ना समझ में आएगा हम लोगों को। तो चलिए सबसे पहले एक गोल्ड का एरिया है, तो ये हम लोग एक वृत्त बनाए हैं जो गोल्ड है, क्या है, गोल्ड, ठीक है। उसके बाद दूसरा एरिया है, अलग अलग कलर में है, तो इसका नाम है, बीच वाला का जी हम नाम रखते हैं, गोल्ड, ठीक है, फर्स्ट लेटर रखते हैं ताकि ज़्यादा हम लोगों को गिजी बिजी नहीं हो, ज़्यादा एकदम मतलब ज़्यादा जगह नहीं यहाँ पे हम लोगों को मतलब जगह कम पड़ जाएगा फिर अगर पूरा लिखेंगे तो। फिर गोल्ड के बाद फिर यहाँ पे रखेंगे रेड, ठीक है, मैंने R4 रेड, और उसके बाद का जो रीजन है, ओ सॉरी थोड़ा सा अच्छा से इसको बनाना है, आप प्रकाल से बनाइएगा एकदम फ्रेश गोला, हम आपको पेन से बना के दिखा रहे हैं तो बढ़िया गोला नहीं हो रहा है, तो इसको लेकर टेंशन नहीं होना है। आर और फिर ब्लू, तो ब्लू और ब्लैक 2 गो है, तो यहाँ पे बी यू कर दे रहे हैं, तो बी यू का मतलब आपको क्या समझना है, ब्लू, ठीक है। और उसके बाद का एरिया भी है, यानी इसके बाद का एक और बना देते हैं, एक गया ऐसे, ठीक है, और इस एरिया को नाम है ब्लैक, तो यहाँ बी के कर देते हैं, बी यू का मतलब ब्लू और बी के मतलब ब्लैक समझना है, ठीक है। अगर आप बड़ा बनाएंगे तो वहाँ पे पूरा पूरा नाम रख दीजिएगा कि गोल्ड, रेड, बी एल ई वी, ब्लू, बी एल एस सी के, तो कहने का मेरा मतलब है कि आप अपने तरीके से ये तरीका अपना सकते हैं। फिर उसके बाद है लास्ट वाला जो है इस तरीके से है, भाग गया उल्टा पलटा, थोड़ा सा इसको सही बना लेना है, ठीक ना,
देखिए मेरा यहाँ पे हम भी फ्रेश फिगर बनाते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे पेंसिल की सहायता से अगर बनाते हैं हम, तो फिर आपको कैमरा में आता नहीं सही सही, लाइन वगैरह नहीं पहचाना। ये W है, WH लिख देते हैं वाइट, ठीक है। तो कुल मिलाकर ना हम लोगों को यहाँ पे ये कलर, ये मैंने अलग अलग कलर का हो गया। अब कलर नहीं करना है, कोई यहाँ पे चित्रकारी नहीं निभाना है, ठीक है। यहाँ मैथ बना रहे, चित्रकारी पेंट ब्रश नहीं चल रहा है, इसलिए इतना ही बनाइएगा तो काफ़ी है। ज़्यादा अगर हमें छेड़छाड़ा नहीं, ज़्यादा छेड़छाड़ कीजिएगा तो कहेगा कि जैसे ओवर स्मार्ट है, इसलिए जितना कहेगा सवाल उतना ही करना है। आगे पढ़ते हैं, फिर क्या बोल रहा है कि सबका हमको क्षेत्रफल निकालना है। ये बात एकदम आप दिमाग में फिट कर लो। कई गो वृत्त बन रहा है, तो एक गो वृत्त हुआ, फिर दो गो वृत्त हुआ, दो गो गोला, तीन गो वृत्त, चार गो और पाँच गो। यानी बोल रहा है कि हमको कई गो का क्षेत्रफल निकालना है, तो यही पाँचों का हमको क्षेत्रफल निकालना है। अब क्या बोला है सवाल में, तो ये देखिए बोल रहा है कि गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है। अब व्यास किसको कहते हैं, तो हम जब आपको वृत्त पढ़ा रहे होंगे तो उसमें हम पढ़े थे कि व्यास किसको कहते हैं, तो वृत्त के केंद्र से जाने वाला जो रेखा होता है ना उसको व्यास कहते हैं। तो ई हो गया हम लोगों का व्यास, किसका, गोल्ड का। तो गोल्ड का ही बस हम व्यास यहाँ पे दिया है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि हरेक जो पट्टी है वो 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक भी हो गया 10.5, 10.5, फिर यहाँ से बढ़ा तो फिर हो गया यहाँ से 10.5, यानी कि इसके बाद जो है ना चौड़ाई बढ़ रहा है, खाली 10.5 10.5 बढ़ते जा रहा है, इधर से भी 10.5, ठीक है, ऐसे करके बढ़ते जा रहा है। तो सबसे पहले समझिए हम गोल्ड का काम करते हैं। गोल्ड के लिए समझिए कि गोल्ड का यानी कि गोल्ड वाला, गोल्ड क्षेत्र वाले का व्यास दिया है, तो यहाँ पे लिखिएगा सबसे पहले दिया है, क्या दिया है भाई, तो गोल्ड, गोल्ड वाले क्षेत्र का व्यास, व्यास हमको दिया है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। व्यास को ही हम लोग डी कहते हैं ना, डायमीटर, डी कहते हैं। अब समझो हमको गोल्ड का कौन सी दिया है, व्यास। तो अब हमको तो पांचों का क्षेत्रफल ना निकालना है, तो आप सोचो कि क्षेत्रफल वृत्त का कौन सी होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि हमको तो त्रिज्या चाहिए। अब यहाँ पे व्यास दिया है तो इसलिए आर का फॉर्मूला लगाओ, आर त्रिज्या निकालने के लिए, त्रिज्या का फॉर्मूला होता है डी बटे में 2, तो डी के मान कितना दे दिया, 21 बटे में 2। तो ये किसके लिए त्रिज्या हो गया, गोल्ड वाले क्षेत्र का ना, तो अब लिखना, अब गोल्ड का, गोल्ड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना, तो पाई आर स्क्वायर फार्मूला होता है, तो पाई के जगह पे रखना 22 बटे 7 और आर का स्क्वायर करना है, तो 21 बटा 2 के स्क्वायर ना। अब 22 बटा 7 का तो 22 बटे 7 रखना है, गुने 21 का स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441। तो 21 का स्क्वायर ऊपर रख देना 441 और बटे में 2 के स्क्वायर 4 होता है, तो 2 का स्क्वायर भी करना है लेकिन नीचे लिखना है, 21 का भी स्क्वायर करना है तो 441, और जेकरा में से इसमें कटेगा से काट देना, जैसे 2 दूनी के 4 और 11 दूनी के 22, जे कटेगा से काट उट के और फिर यहाँ लिख देना है, तो कितना आएगा, तो 441 और 441, यानी कि आपको आ जाएगा 4851। जब इसको इसको गुना कीजिएगा तो 4851 और बटे में 7 दूनी के 14। अब क्या करना है आपको कि इसको जो है 14 से डिवाइड करना है, भागा करना है, तो पॉइंट में आएगा। तो इस तरीके से आप आंसर मैच करते चलिएगा बुक के, हमेशा पॉइंट में सबका आंसर दिया, लेकिन सब सेंटीमीटर सेंटीमीटर में है तो आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, ठीक है। तो इसको भागा दे देना है, पॉइंट के तो भागा होगा आता है, अगर नहीं आता है तो कौन देख रहा है, कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, इतना तो दिमाग ही होगा सबके पास, और सब अपना ही से ही सब दिमाग लगा लेता है। लेकिन तो अगर मान ली कि नहीं भी आए तो आंसर मैच करने के लिए मोबाइल निकालिएगा, घर में तो हर एक के यहाँ मोबाइल होगा, कैलकुलेटर ही होगा, अब भाग कर लीजिएगा और आंसर आ जाएगा, ठीक।
चलिए, तो अब इतना ला के भी ना खुश नहीं होना है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पांच तरीके का रंग दिया हुआ है और पांचों का हमको क्षेत्रफल निकालना है, ठीक ना। हम अभी किसका निकाले हैं, सिर्फ गोल्ड का। अब हमको काम करना है किसका निकालना है, रेड का। तो सबसे पहले तुम सोचो कि किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल निकालने के लिए, खास करके वृत्त का, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब पाई आर स्क्वायर में आप देखिएगा, अच्छा इस आर का मान को अगर पॉइंट में भागा दे दीजिए तो कितना आता है, तो 21/2 में भाग देंगे तो 10.5 आएगा, 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब गोल्ड वाला के बाद कौन सी है, रेड वाला। तो अब उसके बाद लिखिएगा कि रेड वाले क्षेत्र का त्रिज्या, ठीक है। अब रेड वाला कहाँ से कहाँ तक है भाई, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो रेड वाला का त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या होगा, ठीक है। क्योंकि गोल्ड वाला का त्रिज्या तो 21/2 हो गया, मैंने वो तो व्यास न दिया हुआ था, तो हम लोग त्रिज्या कर लिए इसका आधा, यानी कि 21/2, और 21/2 को पॉइंट में कर लिए, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 10.5 हो गया। तो गोल्ड के बाद कौन सी है, रेड है। तो हम रेड वाला का निकालने के लिए गोल्ड का त्रिज्या कितना है, 10.5। तो इस 10.5 में और 10.5 को ना ऐड कर लेना है, का है भाई, क्योंकि गोल्ड वाला का त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक 10.5 और चौड़ाई पट्टी की आओ 10.5 बढ़ रहा है, तो रेड तक के पहुँचने के लिए इस 10.5 और इस 10.5 दोनों को ऐड कर लेंगे, तो 10.5 10.5 मिलकर कितना हो जाता है, 21 सेंटीमीटर। तो अब रेड वाला क्षेत्र का जब त्रिज्या पता चल गया, तो अब लिखिएगा कि रेड वाला क्षेत्र का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो इस पाई के जगह पे 22/7, आर का स्क्वायर तो 21 का स्क्वायर कर देना है। अब 22/7 और गुने 21 का स्क्वायर अभी बताएं 441, 441 सॉरी 441 को 22 से गुना करके और 7 से भाग कर देना है, और वही पॉइंट में इसका भी आंसर आएगा, तो रेड वाला का निकल जाएगा। अब देखना है कि रेड के बाद कौन सी है, रेड के बाद फिर ब्लू है। तो किसी का भी, हमको तो यहाँ पांचों का क्षेत्रफल चाहिए, तो अब आपको काम कुछ करना है, ब्लू वाला क्षेत्र का सबसे पहले क्षेत्र का त्रिज्या निकालना होगा आपको। तो इसका त्रिज्या कैसे निकालेंगे, तो ब्लू किसके बाद है, रेड के बाद है, तो रेड का आप त्रिज्या कितना निकाले हैं अभी, 21 ना निकाले हैं, रेड का 21 निकाले हैं, तो रेड वाला 21 का 21 छोड़ दीजिए, और उसके बाद जो है और 10.5 जोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए रेड तक के तो यहाँ आप तक निकाले हैं 10.5 10.5 21, और उसके बाद ब्लू का निकालना है, तो आओ 10.5 ऐड कर दीजिए, तो अब की बार त्रिज्या हो जाएगा 31.5, हो जाएगा ना, अब 31.5 हो जाएगा। अब कौन सी करना है, तो ब्लू वाला का त्रिज्या पता चल जाएगा, तो अब लिखिएगा कि ब्लू वाला क्षेत्र का क्षेत्रफल, इसके लिए भी पाई आर स्क्वायर, पाई के जगह पे 22/7, आर का स्क्वायर करना है, तो आर कितना आया, 31.5 के स्क्वायर, अब 22/7 का 22/7 रखना है, और 31.5 का स्क्वायर है, तो आप कर लीजिएगा 31.5 को 31.5 से गुना, जितना आएगा उसको फिर 22 से गुना करके 7 से भाग कर देना है, वो पॉइंट में आएगा कुछ, देख लीजिएगा आंसर। तो उसी तरीके का ब्लू वाला का निकल जाएगा। अब देखो, अब उसके बाद ब्लैक का निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे ब्लैक वाले क्षेत्र का त्रिज्या, तो इसका त्रिज्या कितना होगा ब्लैक वाला का, तो ब्लैक वाला का निकालने के लिए उसके पहले तो हम लोगों को ब्लू तक के, तो ब्लू के बाद ना ब्लैक है, ब्लैक है, तो ब्लू तक के त्रिज्या कितना आया है, पीछे वाला देखेंगे 31.5, तो इसका हो जाएगा 31.5 में हर बार 10.5 जोड़ते रहना है, क्योंकि हर पट्टी का चौड़ाई 10.5 10.5 है, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा हम लोगों को कितना, तो यहाँ हो जाएगा 42, ठीक है, इसका 42 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल 42 पर बना लीजिएगा। उसके बाद व्हाइट वाला, तो व्हाइट वाला का क्षेत्रफल निकालने के लिए व्हाइट वाला का पहले त्रिज्या निकालिएगा, तो व्हाइट वाला में
का त्रिज्या निकालने के लिए ब्लैक वाला, ब्लैक वाला तो यहाँ तक है, तो इसमें आओ 10.5 जोड़ दीजिएगा। तो इस तरीके से पांचों का अलग अलग क्षेत्रफल निकालना है, बढ़िया से गुना भागा करना है, और ज़्यादा दिक्कत होगा तो फिर भैया कैलकुलेटर है, आप कैलकुलेटर से इस्तेमाल करो, यही ना रास्ता है। क्योंकि मान लीजिए तुमको जोड़ घटाओ अब नहीं आएगा, तो इसमें अब क्या सिखाएगा तुम जोड़ घटाओ, क्योंकि सब तो सिंपल है। इसमें बस खाली फार्मूला सीखना है, वैल्यू क्वेश्चन को समझकर वहां पर रखना है, और बाकी बात गुना भागा करना है। उकरों में अगर आंसर नहीं आएगा फिर कैलकुलेशन दिक्कत है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से कीजिएगा, फिगर थोड़ा सा बढ़िया से करेक्ट बनाना है, पेंसिल की सहायता से दरअसल बड़ा फिगर बनाइएगा, ताकि पता चले कि गोल्ड कौन है, ब्लू ब्लैक कौन है, और सबका अलग अलग आपको आंसर यहाँ पे बुक में दिया हुआ है, आप खुद से मैच करेंगे। अगर जिसका नहीं आएगा तो भैया हम नहीं बताएंगे कैसे कि एकरा में सब गुना भागा है, कुछ दूसरा रहता तो हम बता भी सकते थे, ठीक है, लेकिन आंसर मैच होना चाहिए। तो आप इस क्वेश्चन को क्रिए करिएगा खुद से अच्छे से, तो आंसर ज़रूर मैच करेगा। इसी विश्वास के साथ आज के क्लास को यहीं तक एंड करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।